हेलो स्टूडेंट्स एम सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल एम सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत टुडे वी आर गोइंग टू डू कॉनिक सेक्शंस एंड इन कॉनिक सेक्शंस वी आर गोइंग टू डू इलिप्स इससे पहले हमने कॉनिक सेक्शंस में दो वीडियोस देखे हैं दो सेशंस देखे हैं उन दोनों सेक्शंस में फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट सेशन में वी हैड डिस्कस्ड सर्कल्स वाइल इन द सेकेंड वीडियो वी हैव डिस्कस्ड पैराबोलाज ना इट इज़ द टर्न ऑफ इलिप्स सबसे पहले हम इलिप्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो एलिप्स एक्चुअली है क्या तो इलिप्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसमें यह है कि जिस तरह से पैराबोला डिफाइंड होता था उसी तरह से हमारे पास इलिप्स का भी डेफिनेशन है एलिप्स का डेफिनेशन ये है कि आपके पास अगर कोई एक लाइन है उस पर मान रखिए कि दो पॉइंट्स कहीं पर लाई कर रहे हैं ठीक है तो ये जो है एक मूविंग पॉइंट। तो इलिप्स जो है इस तरह से डिफाइंड है कि ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट हैं ये लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट जिनका की सम जो है सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज सेम ठीक है सम ऑफ डिस्टेंसेस मतलब ये हुआ कि अगर मान रखे कि हमने एक पॉइंट यहां पर पी कंसीडर किया तो जो डिस्टेंस का सम इन दोनों से आएगा वही अगर हम कोई और पॉइंट यहां कंसीडर करते हैं अस सपोज और उनके सम ऑफ डिस्टेंसेस इन दोनों पॉइंट से निकालते हैं तो हमें जो आएगा वो सेम आता है ठीक है अब मान रखिए कि हम इसको इन दोनों पॉइंट्स को एफ और एपडेस्क से रिप्रेजेंट कर ले जो कि हमें करना भी चाहिए क्योंकि दीज आर कॉल्ड फोकस तो ये फोकाई है मतलब फोकस का जो पुलरल होता है ये फोकाई हो गए ठीक है तो ये फोकस हो गए एक अगर इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये फोकस है ये दो फोकस हो गए तो दो फोकाई हो गए ठीक है तो यहां पर ये फिक्स पॉइंट फोकस का लाते हैं तो हमारे पास ये एफ f एफ एक कांस्टेंट होगा और वही कांस्टेंट आपका एफडेस p प्लस पी एफ के बराबर होगा बात समझ में आ रही है तो यही इलिप्स है हमारे पास इलिप्स इज डिफाइंड लाइक दिस वन ठीक है उसके बाद जब हम इसी चीज को एक्सेस पे प्लेस कराएंगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग अगर मान रखिए कि हमने यहाँ पर इसको एक्सेस uh, पे प्लेस कराना चाहा तो ये कुछ इस तरह का हो गया ठीक है तो इसकी जो इक्वेशन होती है मेनली वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है बात समझ में आ गई होगी अब ये y एक्सिस है जैसे होता है हमारे पास ये x है ये x डैश है और ये y डैश से हम रिप्रेजेंट कराते हैं दिस इज नॉन एज द सेंटर ठीक है अब जो है रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन वी हैव डिस्कस्ड वट इलिप्स इज ऑल अबाउट नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड थिंग which is relationship between semi major axis semi minor axis and the distance of the focus from the center of the ellipse right this is the second thing relationship between semi major axis semi minor axis and the distance of the focus from the center of the ellipse now first of all what these terms these terms are very important to be discussed let us discuss one by one each of them Relationship between semi-major axis. Now, what semi-major axis is? First of all, we need to know major axis. Then we will half it to get the semi-major axis, right? Now, the length from here to hair is known as the major axis, right? Major axis is that axis on which both foci lie, right? तो मेजर एक्सिस का डेफिनेशन ये हो गया कि जिस पर दोनों फुकाई लाई करते हैं ठीक है तो उनके एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोल देंगे क्योंकि दो वर्टेक्स हो गए, तो दो वर्टेक्स तो तो वर्टिसेस हो गए, ये वर्टिसेस हो जाते हैं अब इस तरह वाले इक्वेशन को यहां पर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है यहां पर एक कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है वो है कि ए जो है बी से हमेशा बड़ा होता है ठीक है वी विल सी दैट केस

तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा और एज अ रिजल्ट ये मेजर एक्सिस विल लाई अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस पर इनके फोकाई हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही करना है तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये हमने पहले ही कर लिया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द ऑफ एन इलिप्स है ठीक है बात समझ में आ गई अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो मेजर एक्सिस है इसमें वर्टिसेस हमें पहले देखना होगा तो ए जीरो है और ये माइनस ए जीरो है ठीक है अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कंसीडर कंसिडर करें तो ये ए है यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस कंसीडर करें तो ये ए है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा टू हो जाएगा यानी कि जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी मेजर एक्सिस की लेंथ इस केस में हमारे पास वो 2a के बराबर हो जाएगी ठीक है जबकि माइनर एक्सिस की बात अगर करें तो माइनर एक्सिस जो है वो हमारा ये वाला होता है ठीक है जिस पर कि फोकाई लाए नहीं कर रहे होते हैं तो ये माइनर एक्सिस कहलाता है इनके एंड पॉइंट्स क्या क्या होंगे जीरो माइनस बी होंगे और जीरो बी होंगे ठीक है आई होप समझ में आ गया होगा ये टू बी हो जाएगा ठीक है तो मेजर एक्सिस टू ए होता है माइनर एक्सिस टू बी होता है अब अगर हम सेमी मेजर एक्सिस की बात करें तो सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा सेमी मेजर एक्सिस ए होगा और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो कितना होगा सेमी माइनर एक्सिस हमारे पास बी होगा क्योंकि मेजर एक्सिस का आधा सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का आधा सेमी माइनर एक्सिस राइट अब हमें ये कहा पता करना है कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस एंड द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स मतलब अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट को सी जीरो और माइनस सी जीरो से रिप्रेजेंट कर दें इस वाले इलिप्स के लिए इलिप्स दूसरा भी होता है उनके भी हमें कंसिडर करने होंगे तो जो रिलेशनशिप होता है इनके बीच में वो हम इस तरह से कर सकते हैं कि सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या फिर आप इसको ध्यान रखेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो ये आप याद कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए एक्चुअली आपको सी की वैल्यू चाहिए होगी जब भी आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस निकालने के लिए कहेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालने के लिए कहेंगे तो हमें जो है सी की जरूरत होती है मतलब हमें यहाँ पर ए बी सी निकालना होता है ए हमें ए और बी जो है इक्वेशन से मिलता है जबकि सी हम ये रिलेशन यूज करके निकालते हैं ठीक है तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो सी इज रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है समझ में आ गई होगी बात अब जब हमने रिलेशनशिप पता कर ही लिया है तो अब हम दो केसेस कंसीडर करते हैं कि जब सी जीरो होगा जब सी जीरो होगा तो हमारे पास कैसा सा इक्वेशन होगा वो हम देखना चाहते हैं ठीक है तो सी अगर जीरो है इफ सी इज इक्वल टू देन इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज a square is equal to b square this is a is equal to plus minus b right no problem with it now we assume that a and b are positive right so uh, here it will be a is equal to b or simply if we are taking a square is equal to b square and putting it in this equation it will be x square plus y square इज इक्वल टू ए स्क्वायर क्योंकि ये देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा दोनों जगहों पे या बी स्क्वायर हो जाएगा जिसको कि हम दूसरी साइड ले जा सकते हैं एलसीएम हमारा सेम ही आ जाएगा तो उस केस में देखिए ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर है ना इज इक्वल टू वन अब बी की जगह पे भी हम ए डाल देंगे तो इट विल बी ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या है ये एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका कि सेंटर ऑरिजिन पे है और रेडियस ए है ठीक है तो ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो गया जब हमारा सी जीरो है तो एक स्पेशल केस हमने देख लिया दूसरा अगर सी जो है खुद ही ए के बराबर हो जाए तो उस केस में क्या होगा जब सी ए के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इस केस में बी जो है वो जीरो हो जाएगा ठीक है आप देखिए क्यों क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर जीरो मस्ट बी जीरो इट विल बी पॉसिबल राइट ना आप देख सकते हैं तो बी इज इक्वल टू जीरो जैसे ही हो गया तो हमारे पास दिसंपलाइज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया ये ऐसे तो ये इनवैलिड इक्वेशन दे जा रहा है हमारे पास लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो ये जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन भी दे रहा है ठीक है ये स्ट्रेट लाइन दे रहा है ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट जो हमारा ए ए जीरो और माइनस ए जीरो को ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन दे जाएगा ये ठीक है बात समझ में आ गई आपको ठीक है क्योंकि ये जो है आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा तो यानी कि ये इन दोनों लाइंस को मतलब लाइन की इक्वेशन है एक स्ट्रेट लाइन में ये कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है बात समझ में आ गई तो ये आ, हमारे पास ये दो केसेस थे जो हमने कंसिडर कर लिए अब हमारे पास एक और चीज आती है इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी हमने पैराबोला का नहीं किया क्योंकि पैराबोला की एसेंट्रिसिटी हमेशा वन होती है ठीक है तो हम इसेंट्रिसिटी जिसको कि ई e से डिनोट कराएंगे हम तो वो ई e आखिर है क्या ये हमें पता करना है तो इसेंट्रिसिटी में हमारे पास दैट इज डिनोटेड बाय ई ऑब्वियसली तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई ई की वैल्यू क्या है तो C बाय इज द वैल्यू ऑफ e इसटी c बाय ए के बराबर होता है तो ये आपको वैल्यू इवेल्युएट करानी होगी और एक अगला है लैटस रेक्टम ठीक है तो लैटस रेक्टम के लिए हम क्या करेंगे तो लैटस रेक्टम हमारे पास एक लाइन है लाइन सेगमेंट है या कहिए कि कॉर्ड है जो कि फोकस के थ्रू पास करती है और पर्पेंडिकुलर टू होता है ठीक है? Major axis पे है पे और फोकस के थ्रू पास कर रहा है तो इसकी लेंथ को हम एल एल से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमने वहाँ फोर ए किया था तो यहाँ पर टू बी स्क्वायर बाय ए से इसकी लेंथ निकलती है तो लेटेस्ट एक्टम भी हमने निकाल लिया अब देखिए आपके पास जो है एक दूसरा फॉर्म भी होगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स का दूसरा फॉर्म भी होगा तो अभी जैसे हमने इनके लिए जो है क्या क्या चीजें निकाल ली अगर आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें निकाल ली इसकी वर्टिसेस निकाला फोकस निकाला उसके बाद हमने मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस तो खैर वहीं से आ जाएगा फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन निकाला ए बी एंड सी ठीक है ना जिसको कि हम जो है डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स कर लेते हैं क्योंकि सेंटर हमारा ओरिजिन पे है यहाँ पर ठीक है और ये डिस्टेंस है यानी कि c ये वाला डिस्टेंस तो डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स हमने निकाला ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस वाले पैराबोला के लिए सारी चीजें निकाल ली ठीक है अगर हम इसेंट्रिसिटी की बात करें रेक्टम की बात करें तो वो दूसरे वाले पैराबोला में भी सेम ही रहता है दूसरे वाले पैराबोला में क्या होगा कि जो लेंथ है दैट विल लाई अलोंग वाई एक्सिस राइट लेंथ विल लाई अलोंग वाई एक्सिस सेंटर का कोऑर्डिनेट सेम ही होगा फुकाई के कोऑर्डिनेट्स uh, तो सेम ही होंगे पर उनको लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा क्योंकि वो अब वाई एक्सिस पे लाई करेंगे ठीक है अब कोई भी कोऑर्डिनेट अगर y एक्सिस पे लाई करते हैं तो दैट इज ऑफ द फॉर्म जीरो कॉमा सी एंड जीरो कॉमा माइनस सी इज इट राइट एंड ऑरिजिन इज द सेंटर दैट इज जीरो जीरो हो जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पर जो है आ, इसके जो वर्टिसेस होंगे उनके भी लिखने का तरीका बदल जाएगा जीरो ए एंड जीरो माइनस ए विल बी द वर्टिसेस एंड एंड ऑफ माइनर एक्सिस के भी लिखने का तरीका बदल जाएगा बी माइनस बी कॉमा जीरो विल बी हैर वाइल इट विल बी बी कॉमा जीरो समझ में आ रही बात ये काफ़ी वो हो गया कॉन्सनट्रेटेड हो गया बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी सेंट्रिसिटी लेटस्ट रेक्टम सेमी मेजर एक्सिस या मेजर एक्सिस पहले अगर देखें तो टू ए माइनर एक्सिस देखें तो टू बी और सेमी में हमें उनको आधा करना पड़ेगा तो इस तरह से हमने आज इलिप्स का ये सारा कर लिया चीजों को और अच्छे से समझने के लिए अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स यहां पर देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आएंगे इसके क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो नहीं सकती ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला काम ये है कि ए बी सी ठीक है इलिप्स का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहला काम ये रहेगा कि जैसे एक्स स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर बाय नाइन इज इक्वल टू वन दिया हुआ है आपको तो एक्स स्क्वायर बाय फाइव स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर लिख सकते हैं इसको और ये वन हो गया तो यहाँ पर जो है ए इज इक्वल टू क्या आ गया ए इज इक्वल टू फाइव आ गया और बी इज इक्वल टू थ्री हो गया ठीक है अगर आप फिगर वाइज देखना चाहते हैं तो यहां पर फिगर कुछ इस तरह का बनेगा मतलब इसका जो एक्स के नीचे वाली चीज बड़ी है ना तो लेंथ विल लाई अलोंग एक्स एक्सिस राइट और उसमें भी वर्टिसेस जो है हमारा फाइव कॉमा जीरो एंड माइनस फाइव कॉमा जीरो है ठीक है जबकि ये जीरो कॉमा थ्री एंड जीरो कॉमा माइनस थ्री है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फिर अगर आप देखें तो सेंटर सबका एक ही जगह पे होता है हालांकि उन्होंने सेंटर पूछा है कि नहीं नहीं पूछा है तो हमें सेंटर लिखने की जरूरत है नहीं ऐसे तो ठीक है लेकिन फोकस के लिए हमें सी चाहिए होगा तो ए और बी तो हमने इक्वेशन से ऑप्टेंड कर लिए अब हम जो है सी पे आएंगे अगर तो c इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इस हिसाब से अगर देखें तो 25 फाइव माइनस नाइन हो जाएगा जो कि 16 होता है तो c 4 होगा एक्चुअली हमें रूट अंडर ऑफ 16 के लिए प्लस माइनस 4 होना चाहिए था पर हम जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही लेंगे क्योंकि ए बी सी हमारा सारा पॉजिटिव ही होता है ठीक है तो ये 4 हमारा आ गया तो इस तरह से फोकाई में हमारे पास एक तो फोर कॉमा जीरो हो गया और एफ़ डैस एस एफ डैस अगर हम देखें तो माइनस फोर कॉमा जीरो हो गया ठीक है तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई मिल गया फिर हमें द वर्टिसेस निकालना है तो वर्टिसेस हमारा प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो हो गया तो यहाँ पर फोकाई के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पर एफ़ जो है हमारा कितना आया है फोकाई यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे और एफ़ के लिए हमें माइनस फोर कॉमा जीरो एफ डैस के लिए एंड एफ के लिए हमारे पास है फोर कॉमा जीरो ठीक है दूसरा जो हमें निकालना है वो है वर्टिसेस तो वर्टिसेस के लिए हम क्या करेंगे वर्टिसेस के लिए वी डैस वी डैस हमारे पास है माइनस फाइव कॉमा जीरो एंड वी जो है वो है फाइव कॉमा जीरो अब देखिए बात यह है कि हम अगर सेपरेटली लिख रहे हैं तो हमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत है नहीं तो हम जो है सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस फोर कॉमा जीरो कोई दिक्कत नहीं है इसमें इसी तरह से इनके दोनों के बदले में आप प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो लिखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो हमने फोकाई लिख लिया वर्टिसेस लिख लिया लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास टू ए के बराबर होता है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज़ इक्वल टू टू ए अब यहां पर टू है फाइव है ए की वैल्यू तो टेन हो गया टेन यूनिट्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें अगर तो वो टू बी के बराबर होता है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू टू बी तो यह आ जाएगा टू इंटू थ्री यानी कि सिक्स ठीक है क्योंकि ए की वैल्यू देखिए आप ए की वैल्यू क्या है फाइव है बी की वैल्यू थ्री है तो टू ए टू बी आपका टेन और सिक्स दे जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो निकालना है वो है इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी आपका क्या होता है सी बाय ए होता है ठीक है सी आपका कितना आया है सी है फोर ए कितना आया है ए है फाइव अब आप यहाँ पर एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो एसेंट्रिसिटी है इलिप्स केस में हमेशा लेस देन वन आएगा ये लेस देन वन क्यों आएगा देखिए सी है सी कहां है सी आपका यहां पर है और ए यहां पर है तो मतलब सी हमेशा छोटा है ए से आप देखिए ए यहां से यहां तक लेंगे तब आएगा सी यहां से यहां तक लेंगे तब आएगा तो फोर बाय फाइव इसेंट्रिसिटी है जो कि वन से छोटा है तो हमारा यानी कि सही है और लैटेस्ट रेक्टम की लेंथ हमने जो कंसिडर करी थी वो एल एल डैश से हमने रिप्रेजेंट करा था वो होता था टू बी स्क्वायर बाय ए तो ये आ गया टू और बी स्क्वायर जो है हमारा वो है नाइन जबकि ए है हमारा फाइव तो ये एटीन बाय फाइव आ जाएगा ठीक है ये समझ में आ गया देखिए टू बी स्क्वायर बाय ए है इक्वल टू टू इन टू बी स्क्वायर नाइन है अपॉन में फाइव है एज इक्वल टू नाइन टू जटीन हो गया और ये अपॉन में फाइव आ गया ठीक है तो एटीन बाय फाइव हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया क्वेश्चन नंबर टू देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस द माइनर एक्सेस एंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स अब यहां इलिप्स का जो है फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है वो है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी सिक्स तो यहाँ पर सबसे पहला काम कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें हम तो ये फोर वाई स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा हमने क्या किया थ्रू आउट थर्टी सिक्स से डिवाइड करा दिया अब अगर आप देखें तो नाइन फोर ज और फोर नाइन ज ठीक है तो एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है अब अगर आप देखें तो ये दूसरे वाले फॉर्म का है कौन से वाले फॉर्म का है तो जिसमें कि एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है समझ में आ रही है बात तो यानी कि यहां पर ए जो है ए तो थ्री ही है बी हमारा टू है और फिर सी भी लगे हाथ निकाल दें अगर तो रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से निकलता है वो तो ए स्क्वायर है हमारे पास नाइन माइनस फोर हो गया तो रूट अंडर ऑफ फाइव हो गया ठीक है इतना समझ में आ गया अब इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुकाई निकल गया तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुकाई हम लिख देंगे लेकिन आप अगर देखें तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुकाई अगर हमें लिखना है तो ये कैसे लिख सकते हैं हम ये देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुकाई अगर हमें लिखना है तो यहां पर जो है f अगर हम ले लें दोनों के लिए तो यहां पर y एक्सिस पे लिखना होगा क्योंकि हमें जो y कोऑर्डिनेट के नीचे वाली चीज है वो बड़ी है ठीक है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट फाइव मतलब जीरो प्लस माइनस रूट फाइव आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई समझ में आई बात फिर हमारे पास दूसरी चीज जो निकालनी है इसकी वो है वर्टिसेस तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस हम लिख देते कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस की बात अगर करें तो हमारे पास यहां पर वर्टिसेस V से डिनोट करा देते हैं अब यहां पर A A से ही निकल जाता है ना तो जीरो प्लस माइनस थ्री विल गिव द वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, ठीक है नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज टू ए तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज टू ए यानी कि टू इंटू थ्री यानी कि सिक्स ठीक है फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें अगर तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज टू बी यानी कि टू इंटू फोर ठीक है तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस भी मिल गए इसेंट्रिसिटी के लिए सी बाय तो इज इक्वल टू सी बाय ए ठीक है तो दिस इंप्लाइज सी हमारा कितना आया है रूट फाइव आया है ये देखिए रूट फाइव आया है और ए कितना है ए है थ्री ठीक है तो देर फोर इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू रूट फाइव बाय थ्री ठीक है उसके बाद हमारे पास बस ये कंप्लीट हो जाएगा हमें जो जो चीजें निकालनी थी वो सारी चीजें हमने निकाल ली लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसमें निकालना नहीं है तो अगर हमें लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम भी निकालने के लिए कहेंगे तो हम निकाल देंगे टू बी स्क्वायर बाय ए होता है क्योंकि इन सभी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो उनके फुकाई हैं वो एक्सिस के लॉन्ग लाई कर रहे हैं या वाई एक्सिस ठीक है तो लेंथ है ना ये तो लेंथ ऑफ लैटस हम लिखते हैं तो टू बी स्क्वायर बाय ए के बराबर तो एज अ रिजल्ट टू है बी स्क्वायर तो फोर हो गया अपॉन ए तो थ्री हो गया यानी कि ये आ जाएगा एट बाय थ्री ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरह से हमने क्वेश्चन टू भी पूरा कर लिया लेट एस डू क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस इज ट्वेंटी एंड फोकाई आर जीरो प्लस माइनस फाइव ये देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये दूसरे वाले फॉर्म का है मतलब जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग लाइक कर रहा है ठीक है इससे यही पता चल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलेब्स हुई लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो यहां पर क्या दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस दिया हुआ है इज इक्वल टू टू ए होता है जो कि ट्वेंटी दिया हुआ है है ना तो हम जो है यहां पर ए इज इक्वल टू टेन कर लेंगे तो ए की वैल्यू तो हमें मिल गई ठीक है फिर यहां पर फुकाई दिया हुआ है जीरो प्लस माइनस फाइव ठीक है इसका सीधा मतलब ये हो गया कि सी आपको फाइव दिया हुआ है फिर यहाँ पर यह है कि सिंस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस सिंपलाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ठीक है बात तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए स्क्वायर है हंड्रेड सी स्क्वायर है ट्वेंटी फाइव तो यह आ जाएगा सेवेंटी फाइव तो आपको जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों की वैल्यू मिल गई है तो आप जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ए है हमारे पास हंड्रेड प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ठीक है या इसको आप अपने हिसाब से एक्स स्क्वायर बाय सेवेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर बाय हंड्रेड इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हैं तो और नहीं तो इनको जो है आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं अब जैसे इन दोनों का एल्शियम थ्री हो जाएगा तो थ्री करके भी लिख सकते हैं तो फिर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 300 हो गया तो 75 फाइव फोर जो होता है तो फोर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस थ्री वाई स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू वन या फिर फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ठीक है तो आप फाइनली ये आंसर भी लिख सकते हैं लेटेस्ट नौसी क्वेश्चन नंबर फोर फाइन द इक्वेशन ऑफ़ द इलिप्स यहाँ पर भी हमें इक्वेशन ही निकालना है फाइन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स होज वर्टिस आर प्लस माइनस थर्टीन कॉमा जीरो अब देखिए वर्टिस अगर हमारे पास एक्सेक्स पे लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर वर्टिस आर एट प्लस माइनस थर्टीन कॉमा जीरो देर फोर यहाँ ए की वैल्यू क्या है थर्टीन है ठीक है फिर यहाँ पर है फोकाई तो फोकाई आर एट प्लस माइनस फाइव कॉमा जीरो देयर फोर सी इज इक्वल टू फाइव ठीक है अब जो है बी की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो नौ हमने अभी भी वो इक्वेशन जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बराबर होता है तो वही यूज़ कर लेते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब थर्टीन का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर यानी कि फाइव का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है अब ये जो है आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो ये जो आपको मिल रहा है वो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर्टी फोर ठीक है तो बी स्क्वायर हमें मिल गया हमें बी निकालने की ज़रूरत नहीं है और ए में भी बसरते ए स्क्वायर की ज़रूरत होगी हमें और चूंकि इनमें जो आप देखिए कि वर्टिसेस और फोकस जो है फुकाई दोनों एक्सेस पे लाई कर रहे हैं इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स जो होगा तो वो किस तरह का होगा

ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा तो इस तरह से आज हमने इलिप्स देखा कि इलिप्स क्या होता है इलिप्स के जो आ, डेफिनेशन को देखा उसके बाद हमने ए बी सी निकाला ध्यान रखिए ए बी सी आपको हाइपरबोला में भी निकालना पड़ेगा इसीलिए ए बी सी बहुत ही महत्वपूर्ण है बाकी हमने इनके कॉम्पोनेंट्स निकाले जिस तरह से हमने पैराबोला के कॉम्पोनेंट्स निकाले थे तो उसी तरह से हमने यहाँ पर निकाला सेंटर सेंटर इसमें जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगे उनके सेंटर सारे ऑरिजिन पे होंगे इसीलिए उनका कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं तो हमने भी उस तरह से डिस्कस नहीं किया लेकिन बाकी जो आपको सी बी एस कैरिकुलम के हिसाब से जो आपके स्कूल में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस उस तरह के हमने चार क्वेश्चंस भी डिस्कस किए और ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टू नो द सब्जेक्ट मैटर वेल बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए कि एक्चुअली इलिप्स है क्या इलिप्स में चीज़ें क्या क्या होती हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको आपके पेपर में तो वो क्लियर हो गया होगा आई होप इन द नेक्स्ट सेशन वी विल टेक हाइपर बोला विच विल बी द लास्ट सेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन कॉनिक सेक्शंस एंड देन वी विल फिनिश इट ऑफ And uh, then we will move to some other chapter. Uh, till then, bye bye. Thank you so much for being with us. Thanks a lot. Enjoy yourself.